दोस्तों, अगर आपको लोन की जरूरत है और आप बैंक में नहीं जा पाते, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ऑफिस से आपको इतने टाइम नहीं मिल पाता कि आप बैंक में जा सकते हैं, आज मैं इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आया हूँ। आपको घर बैठे ही लोन मिल जाएगा, वो भी आपको 50,000 रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक का लोन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हो तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे ही लोन मिल जाएगा। सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ KYC डॉक्यूमेंट पर ही आपको लोन मिल जाएगा। अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो साथ ही के साथ अकाउंट में अमाउंट भी आ जाता है। तो आज इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आप लोन के लिए थक चुके हैं, आप बैंकों में जाकर चक्कर काट काट कर थक चुके हैं, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आपको घर बैठे ही लोन मिल जाएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको दो बेस्ट लोन ऐप के बारे में बताऊंगा, जो लोन ऐप भी है और एक बैंक भी है। वैसे तो ये बैंक है और ये लोन ऐप की तरह ही काम करते हैं, आपको बहुत ही जल्दी यहां से पर्सनल लोन मिल जाता है जो बिल्कुल डिजिटल है। आपको कोई भी पेपर वर्क की जरूरत नहीं है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप अपने मोबाइल से ही सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, आप जब भी कहीं पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको उसके बारे में पूरी डिटेल ले लेनी चाहिए, चाहे वो लोन ऐप हो या बैंक हो या कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो। सबसे पहले आपको उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी ले लेनी चाहिए, जब भी जाकर आपको उसमें अप्लाई करना चाहिए। अगर आप ऐसे ही उसमें अप्लाई कर देते हैं तो आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको पहले उसके बारे में कोई भी बैंक हो या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो, कोई भी लोन ऐप हो, उसके बारे में पूरी डिटेल ले लेनी चाहिए, गूगल पर चेक कर लेना चाहिए, एक दो वीडियो देख लेनी चाहिए उसके बारे में, तभी आप समझ पाएंगे कि यह कैसा लोन ऐप है, कैसे लोन मिलता है, क्या प्रोसेस है। पूरी डिटेल के बारे में पहले जान लेना चाहिए, उसके बाद ही अप्लाई करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको दो बेस्ट लोन ऐप के बारे में बताऊंगा, जो लोन ऐप भी है और बैंक भी है, जहां पर आपको पर्सनल लोन बहुत ही जल्दी मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, जब भी आप समझ पाएंगे कि पर्सनल लोन कैसे मिलता है। वीडियो जरा से भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे ही प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। अगर आपने कभी भी इन दो बैंक से लोन लिया है तो कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर करें। आपको लोन मिला या नहीं मिला तो किस कारण से नहीं मिला, पूरा कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका भी सोल्यूशन हम आपको जरूर बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अब देरी न करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, नंबर वन पर है डीजी बैंक, इसे हम क्रोम में सर्च कर लेते हैं। डीजी बैंक, इसे DBS बैंक भी बोलते हैं। जानना है तो पर्सनल लोन पर क्लिक करेंगे। ये पर्सनल लोन की डिटेल ओपन हो चुकी है। पर्सनल लोन मिलता है DBS बैंक भी बोलते हैं इसे। डीजी बैंक इंस्टेंट पर्सनल लोन, जस्ट व्हाट यू नीड टू फास्ट ट्रैक योर ड्रीम्स। डीजी बैंक पर्सनल लोन फॉर एवरी नीड, आपको कोई भी नीड हो उसके लिए पर्सनल लोन मिल जाता है। इंस्टेंट लोन इन प्रिंसिपल अप्रूवल, बेटर इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको, 10.99% से स्टार्ट हो जाता है। अगर टेनर की बात करें तो आपको 12 मंथ से लेकर 60 मंथ तक का टेनर मिल जाता है। इजी लोन रिपेमेंट है, इसमें आपको कई प्रकार के लिए लोन मिल जाते हैं, आपको कोई भी नीड हो उसके लिए आपको लोन मिल जाते हैं। आपको वेडिंग के लिए लोन चाहिए, अगर आपकी शादी है तो फिर भी आपको यहाँ से लोन मिल जाता है। आपको कहीं घूमने जाना है, ट्रैवल के लिए भी लोन मिल जाता है। गैजेट लोन भी मिल जाता है, अगर आपको होम रेनोवेशन के लिए अपने होम में कोई भी काम करवाना हो, किसी प्रकार का भी पेंट, रंग रोगन, सफेदी, लाइटिंग वगैरह कोई भी काम करवाना होम रेनोवेशन का, उसके लिए भी लोन मिल जाता है। एलिजिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। आर यू ए रेजिडेंट इंडियन या नॉन रेजिडेंट, अगर एज की बात करें तो आपकी एज 21 साल से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए। ये 4 स्टेप दिए गए हैं। स्टेप वन पर है चेक योर लोन एलिजिबिलिटी इंस्टेंटली, स्टेप सेकंड पर है साइन अप फॉर ए डीजी बैंक सेविंग अकाउंट एंड लॉग इन ऑनलाइन, स्टेप 3 पर कंप्लीट द इंस्टेंट KYC, स्टेप 4 पर गेट लोन अमाउंट क्रेडिट इन टू योर अकाउंट, बहुत ही जल्दी लोन अमाउंट अकाउंट में आ जाता है। दोस्तों, इस बैंक से आपको लोन तो बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन इसमें यह है कि आपकी इनकम कम से कम 25,000 पर मंथ होनी चाहिए।
अगर आपकी इनकम इससे कम है तो फिर कम चांस है कि आपको यहाँ से लोन मिल पाएगा। दोस्तों ये वैसे तो बैंक है लेकिन यह एक ऐप की तरह काम करता है। अगर आपका अकाउंट इसमें नहीं है तो फिर भी आपको इससे लोन मिल जाएगा। आपको यह टेंशन नहीं लेनी है कि मेरा तो इस बैंक में अकाउंट नहीं है, मुझे यहाँ से लोन नहीं मिल पाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आपका बैंक अकाउंट जिस भी बैंक में है उसकी लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट देखकर यह बैंक आपको लोन प्रोवाइड करवा देता है और बहुत ही जल्दी आपको इससे लोन मिल जाता है। 100% डिजिटल प्रोसेस है। दोस्तों सेकंड बैंक का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। तो इसमें आपको 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल जाता है। नीडो एवरी नीड के लिए लोन मिलता है। अप्लाई फॉर पर्सनल लोन यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। अगर इस बैंक के पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 10.49% से स्टार्ट होता है। डिजिटल पेपरलेस है। ऑनलाइन पर्सनल लोन एप्लीकेशन प्रोसेस है। फ्लेक्सिबल टेन्योर मिल जाता है। 5 साल तक का टेन्योर आपको मिल जाता है इस बैंक में। दोस्तों इसमें आपको 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल जाता है। नो कोलेटरल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है। बैलेंस ट्रांसफर भी कर सकते हैं आप पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड बैलेंस भी। EMI स्टार्ट होती है पर लाख की आपकी 2149 रुपये पर मंथ। नो फिजिकल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। इंश्योरेंस भी मिल जाता है आपको। दोस्तों यहां से आप EMI कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, ये रेंज को घटा बढ़ा सकते हैं। आपको जितना भी अमाउंट लेना है, टेन्योर है और यहाँ से इंटरेस्ट रेट, आपका इंटरेस्ट रेट 10.49% से स्टार्ट होकर 36% तक मिल जाता है। यहाँ से इसे भी घटा बटा सकते हो और नीचे आपकी EMI आ जाएगी। दोस्तों यहाँ से अप्लाई पर्सनल लोन करोगे, यहाँ पर आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, वोटर ID, आधार कार्ड, पासवर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी एक हो इसमें से, लॉग इन द सिक्योरली एंड नेट बैंकिंग और अपलोड। यहाँ पर अपनी डिटेल डालनी है आपको, पिन कोड डालना, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ से अगर कंटिन्यू करोगे तो आपका लोन के लिए अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि इसमें कैसे लोन मिलता है। ये दो बैंक थे जो एक बिल्कुल लोन ऐप की तरह काम करते हैं, आपको बहुत ही जल्दी यहाँ से लोन मिल जाता है। तो ये थे दो बेस्ट लोन ऐप जो बैंक भी हैं, जो जहाँ से आपको बहुत ही जल्दी लोन मिल जाता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो में दी जानकारी आपके बहुत ही काम आएगी, वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो आपको जरा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे ही प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करें। और अगर आपको अपना सिविल इंप्रूव करना है, अपने सिविल, आपका लो सिविल स्कोर है उसे 800 प्लस तक ले जाना है, तो ये वीडियो भी जरूर देखें।